डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे एक चमत्कार की दुनिया में। आज का ये वीडियो आपके साथ साथ आपके माता पिता के लिए देखना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्या है, जैसा कि सोशल मीडिया पर, टीवी पर और न्यूज़पेपर्स में आप बहुत बार पढ़ते हो, देखते हो, सुनते हो कि एक ब्रेन पीडिया नाम की तकनीक है जिसमें कुछ बच्चे या कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने अपना छोटा दिमाग विकसित कर लिया है, तीसरा नेत्र विकसित कर लिया है, योग साधना के द्वारा उनमें इतनी शक्ति आ गई है कि वो बहुत से काम आसानी से याद कर लेते हैं। और एक सबसे जो बड़ी बात आ रही है वो ये है कि आंखों पर पट्टी बांधकर, जिससे कि सामान्य व्यक्ति देख नहीं सकता है, आंखों पर पट्टी बांधकर वो देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं और कुछ भी इस प्रकार का कार्य कर लेते हैं। तो आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं इसी प्रकार के एक पर्सन से, तो कृपया अंत तक इस वीडियो में बने रहें। प्यारे दर्शकों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं मिस्टर अभिरू से, जो कि ये दावा करते हैं कि इन्होंने योगाभ्यास के द्वारा, साधना के द्वारा ऐसी शक्ति हासिल कर ली है कि ये एक काली पट्टी अपनी आंखों पर बांधकर नोट पहचान सकते हैं, कार्ड का नंबर बता सकते हैं और कुछ पढ़ भी सकते हैं। तो आज हम इन्हीं की जांच करने के लिए आए हैं कि क्या ये वास्तव में ऐसा कर पाते हैं। तो ये मेरे हाथ में एक पट्टी है जो कि दोहरी तहरी पर की बनी हुई है और इसमें से दिखना मुश्किल है, फिर भी हम एहतियात के तौर पर ये टिश्यू पेपर है इसका यूज करेंगे। पहले इनकी आंखों पर ये लगाएंगे और उसके बाद ये पट्टी बांधेंगे और फिर हम देखेंगे कि क्या ये वास्तव में ऐसा कर पाते हैं या नहीं। तो अभी मैं आपके सामने इनकी आंखों पर ये पट्टी बांधने जा रहा हूँ। इससे पहले ये टिश्यू पेपर है ये मैं लगा रहा हूँ और उसके बाद ये जो पट्टी है ये इनकी आंखों पर बांधी जाएगी। इनका दावा है कि ये देखने की बजाय सूंघ कर चीजों को पढ़ सकते हैं और किसी भी चीज को ये बता सकते हैं, देख सकते हैं। तो ऐसा दावा बहुत बार मीडिया में आ रहा है, देश के अलग अलग भागों से आ रहा है और कुछ ऐसा दावा करते हैं कि योगाभ्यास के द्वारा वो सिखा भी देते हैं। तो ये अब आपके सामने देख सकते हो कि पट्टी बंधी हुई है पूरी तरह से। तो आप इनसे पूछेंगे अलग अलग चीजें, जैसा कि मेरे हाथ में ये प्लेइंग कार्ड्स हैं, तो पहले तो मैं इनसे कोई प्लेइंग कार्ड्स एक चुन के बिना देखे कोई प्लेइंग कार्ड्स चुनूंगा और पूछेंगे हम इनसे कि क्या ये बता पाते हैं या नहीं। तो मिस्टर अभिनू, ये आप प्लेइंग कार्ड है तो आप ये बताइए कि ये क्या है। हाँ, इन्होंने ये बताया है जे, जो ताश खेलने वाले हैं वो बेहतर जानते हैं कि उन्होंने इनके क्या नाम रखा है, तो वैसे इस पर जे लिखा होता है तो ये जे था। एक बार और हम अजमाइश करेंगे, कोई भी एक कार्ड हम निकाल कर इनके हाथ में देंगे तो ये बताएंगे। बिल्कुल सही बताया इन्होंने कि ये तीन है जिसको हम तिक्की बोलते हैं। तो आप मेरे पास कुछ नोट हैं, ये बताते हैं कि ये नोट भी बता देते हैं सुनकर कि ये कितने का नोट है या इसका नंबर क्या है। तो मैं भी इनके हाथ में एक नोट देने जा रहा हूँ, आप देखते रहिए। मिस्टर विनोद, ये बताइए कितने का नोट है पहले तो। 500 का नोट बताया है, बिल्कुल सही। इस नोट का नंबर बता सकते हैं आप? 4 5 4 FE 159 225 4 FE 159 225, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इन्होंने ये नंबर बताया जो। इसके बाद एक नोट मैं और इनसे अजमाना चाहूंगा,
ये बताइए आपकी कितने का नोट है? 2000। नोट का नंबर 9AS1639352। ये इन्होंने जो बताया था बिल्कुल सही है। अगर आपने सुना हो आप वीडियो प्लेबैक करके भी देख सकते हैं कि इन्होंने बिल्कुल सही नंबर बताया है। इट मीन ये वास्तव में सुन कर बता पा रहे हैं। तो इनके बारे में सुना है कि ये पढ़ भी लेते हैं, तो कुछ कहानियों की किताब है मेरे पास, तो मैं इनको कोई भी किताब जैसे जो भी पेज बीच में से निकलेगा आपके सामने मैं इनको निकाल के दे रहा हूं, और कोई भी एक लाइन या दो लाइनें हम इनसे पढ़वा कर देखेंगे। कोई कहीं से भी कोई भी एक लाइन कोई देवू हैरानी से बोला, क्या बिना ले का लिंग बनाना कठिन काम है? बिल्कुल सही। ये इनके बीच में से ये यहाँ से पढ़ रहे थे और इन्होंने देखकर पढ़ भी लिया है। तो ये बड़ी हैरानी की बात है कि आंख पर पट्टी बंदी होने के बावजूद हमने टिश्यू पेपर भी लगा दिया है आंख पर, और उसके बाद भी ये देख पा रहे हैं या पढ़ पा रहे हैं। तो अभी मैं पेज नंबर भी बता सकता हूँ। हाँ पेज, इसका पेज नंबर भी बताएं, बताओ आप कि हम आपको बताएंगे कि आप इसमें 23 नंबर पे निकाल के और उसमें से कोई लाइन पढ़कर सुनाएं। पहले लाइन पढ़ रहा हूं मैं, चौथे ने कहा मैं उससे जानदार सुनता हूं। ये सही तो ये 23 नंबर पेज निकाला है इन्होंने अपने आप, और ये पढ़ के बताया है ऊपर से एक लाइन और बिल्कुल सही पढ़ी है। तो दोस्तों वास्तव में ये एक बहुत बड़ा चमत्कार लगता है, तो इसके बारे में हम अभी बाद में बात करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ में। डियर फ्रेंड्स, हमारा आज के इस वीडियो का मकसद आपको कोई चमत्कार दिखाना नहीं है, बल्कि इस चमत्कार का पर्दाफाश करना है। जैसा कि तर्कशील सोसाइटी के सदस्यों द्वारा, विभिन्न इकाइयों द्वारा इसका पहले भी पर्दाफाश किया जा चुका है, लेकिन फिर भी हमारे देश में दिन प्रतिदिन ये ठगी का धंधा बढ़ते ही जा रहा है। कभी ब्रेन पीडिया के नाम पर, कभी छोटे दिमाग को विकसित करने के नाम पर, और कभी बच्चों को इंटेलिजेंट बना देने के नाम पर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आजकल हर माता पिता अपने बच्चे की शिक्षा के प्रति अवेयर है, जागरूक है, और हर माता पिता ये चाहता है कि उसका बच्चा बेस्ट हो, उसका बच्चा ही फर्स्ट आए, और हमारी इसी सोच का, इसी भावना का कुछ ठग लोग, जो चालाक लोग हैं, वो फायदा उठा रहे हैं, जिन्होंने ब्रेन पीडिया और इसके नाम पर अभी कुछ साल पहले एक लड़की का काफी वीडियो भी आए थे और राष्ट्रपति ने उसको सम्मानित भी किया था, गूगल गर्ल के नाम से फेमस हो गई थी वो लड़की, जिसमें कि कुछ चीजें याद करने के अलावा ये एक हुनर था कि वो आंख पर पट्टी बांधकर नोट सुनकर बता सकती थी, सुनकर पढ़ सकती थी, जिसे हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय ने सम्मानित भी किया था। तो उसी की आड़ में, उसी को ढाल बनाकर उसके जो रिलेटिव थे, उसके पिताजी थे, उन्होंने पूरे देश में ये एक तरह का धंधा फैला दिया था कि उसको देखा देखी हर माता पिता के मन में ये आने लगा कि मेरा बच्चा भी इतनी योग्यता हासिल कर ले, और उसका फायदा वो मोटी मोटी फीसें लेने लगे कि इवन 40-40, 50-50 हजार रुपए दो दो तीन तीन दिन की ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं आज भी देश में, और आपके बच्चे को कुछ एक टेक्निक के द्वारा कुछ चीजें हटा दी जाती हैं, और उसके बाद में आंख पर पट्टी बांधकर पढ़ना बच्चा को कह दिया जाता है कि वो सीख गया है। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। जलंधर इकाई ने और हम डबली इकाई में इस प्रकार के ठगों का भंडाफोड़ किया गया था 2015 में। यहाँ पर गूगल गर्ल का पिता, जो कि
लोगों से पैसे तो 25-25 हजार रुपए लेकर वो की बच्चों को ये सिखाता था, तो यहाँ पर छूट देकर 12-12 हजार रुपए 15-15 हजार रुपए लोगों से लिए गए। कालावली की इकाई के साथी जैब सिंह और उनके दूसरे अन्य साथी शमशेर सिंह जी और डबल इकाई के कुछ साथियों ने, हम सब ने मिलकर उनका वहां पर भंडाफोड़ किया था पूरी पब्लिक के सामने और थाने में एक केस भी दर्ज करवाने की मांग की गई थी, तो उन्होंने माफी मांग करके और अपना पीछा छुड़वाया था और सभी लोगों के जो पैसे थे वो हमने यहाँ पर वापस करवाए थे। और उस समय हमने फेसबुक पर पोस्ट भी डाली थी लेकिन उसके बाद भी लोग अवेयर नहीं हुए हैं। तो ये जून 17 को 2015 में हमने ये पोस्ट भी डाली थी और इसके बारे में थाने में पंचायत हुई और ये उन्होंने माफी मांगी और उसका लिखित माफीनामा ये उस ब्रेल पीडिया के मास्टर का लिखित माफीनामा हमने मीडिया में भी प्रसारित किया था। इसमें उन्होंने माना था कि मेरे पास ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है, ये सिर्फ एक अंधविश्वास है और आगे से मैं इस प्रकार का काम नहीं करूंगा, लेकिन उसके बावजूद देश के विभिन्न हिस्सों से ऐसी खबरें आती रहती हैं। अभी हमारे कुछ अध्यापक साथियों ने भी भोपाल मध्य प्रदेश से ऐसी वीडियो डाली थी कि एक लड़की है वहां पर पट्टी बांध कर पढ़ रही है, उसने योग साधना के नाम पर इस प्रकार की योग्यता हासिल कर ली है, तो दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने आप को ठगी से बचाएं, सिर्फ कुछ एक टेक्निक्स हैं, वो वैसे भी आप नेट पर देख सकते हो कि किसी भी चीज को याद करने के लिए और जल्दी कैसे याद करें, कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं कि जिससे कि पीरियोडिक टेबल या सभी प्रधानमंत्रियों के नाम, राष्ट्रपतियों के नाम, किसी एक तरीके से वो बच्चे भी याद करना जल्दी सीख जाते हैं। लेकिन ये जो ब्रेन पीढ़ी वाले कर रहे हैं ये आपके बच्चे के बचपने से, वो सिर्फ 5 से लेकर 15 साल की आयु के बच्चे को सिखाते हैं और उसके एवज में 20-20-30-30 हजार रुपया भी लेते हैं। तो ये बिल्कुल इस रूप से आप बचें, ये हम इस रूप से तभी बच सकते हैं जब हमें पता होगा कि वास्तव में ऐसा क्या है, क्योंकि जिस कला के नाम पर हमारे राष्ट्रपति एक बच्चे को सम्मानित कर सकते हैं तो आम लोगों का मूर्ख बनना उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और हमारे पढ़े लिखे शिक्षित अध्यापक साथी भी इस भावनाओं में बह जाते हैं और इसको सच मान लेते हैं। बाकी जो टेक्निक्स हैं वो आपको साइंस के टीचर्स कुछ बता सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल को कैसे याद किया जाता है, कैसे उसकी ट्रिक बनाई जाती है या कुछ और चीजें हैं वो कैसे की जाती हैं। कुछ अबेकस के तरीके हैं जिससे जोड़ घटा गुणा भाग बच्चा जल्दी सीख लेता है और बिना कुछ किए सिर्फ उंगलियों पर कैलकुलेशन करके आपने देखा होगा। तो ये सिर्फ एक टेक्निक्स है अबेकस, इसमें कोई भी दिमाग विकसित नहीं होता है और ना ही कोई चमत्कार है। तो अभी मैं आपको ये वाला राज खोलने जा रहा हूँ, डूंगली तो आपके मन में रह जाएगा कि वो जो आंख पर पट्टी बांध कर पढ़ लेते हैं वो वास्तव में पढ़ लेते हैं और हम जो दिखा रहे हैं वो एक जाली काम है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल वो वैसी ही टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, बल्कि इसमें वो बच्चों को हिप्नोटाइज करके, 2 दिन आपके बच्चे को हिप्नोटाइज करते हैं, एक्सरसाइज करके उसे थका दिया जाता है और अर्थ चेतन मन में उसको झूठ बोलना सिखा दिया जाता है कि उस बच्चे को जहां से इस पट्टी में से, अभी मैं आपको बताऊंगा थोड़ा खोलकर। तो दोस्तों इस पट्टी में या जो भी वो पट्टी बांधते हैं इसकी खासियत ये है कि आप इसको चाहे कितना भी कसकर बांध रहे, बल्कि जितना कसकर बांधेंगे, ये नाक के ऊपर से पट्टी आती है तो नाक के साइड में से छिद्र रह जाते हैं जिनमें से कि बच्चे को ये बताया जाता है कि हिप्नोटाइज करके ये बताया जाता है कि जब आपका तीसरा नेत्र विकसित हो जाएगा इन योग साधना के द्वारा तो आपको नाक के पास से नीचे की तरफ आपने देखना है और आपको तीसरे नेत्र से दिखने लग जाएगा। तो कुछ बच्चे तो घोड़े होते हैं और वो उनको लगता है कि हाँ मेरा तीसरे नेत्र से दिखाई दे रहा है, और कुछ बच्चे जिनको पता भी लग जाता है कि ये ट्रिक है लेकिन वो उसके प्रभाव में आकर अपने माता पिता तक को सच नहीं बताते हैं समाज के सामने, क्योंकि उनकी वाहवाही होने लग जाती है तो बच्चे उस चीज का फायदा उठाने लग जाते हैं और ये उनको नाक के पास से दिखता होता है। तो ये पट्टी हमने चाहे कितनी बांध ली, अभी जैसे मैंने आपके सामने इनकी आंखों पे पट्टी बांध दी, टिश्यू पेपर भी लगाया, तो आप जो भी आपने शुरू में शायद यही समझा होगा मोस्टली लोगों ने कि इसमें से दिख ही नहीं सकता क्योंकि इस तरह से बांधे गया था, इसके ऊपर ये भी लगा दिया था
और अगर आप वैसे बांध के देखने की कोशिश करोगे आपको नहीं दिखेगा, लेकिन ये नीचे से इसके साइड में हल्की दरारें रह जाती हैं। और क्योंकि नाक को नंगा रखा जाता है, क्योंकि ये बताया जाता है कि वो सूंघने से पड़ेंगे, तो वो सूंघने के नाम पर नाक से पूरे ऊपर रह जाता है और नाक की हमारी हड्डी ऊंची होती है, इसलिए इसके साइडों में से यहाँ से दिखता है। तो मिस्टर बिलूर क्या आप बताएंगे कि ये किस प्रकार से दिखता है आपको? उनको ये चालाकी सिखा दी जाती है कि वो किसी भी तरीके से यहाँ से ये जो छिद्र है उनके पास नोट को या बुक को इस प्रकार से लेकर आए। अगर आप वास्तव में इन चीजों की जांच करना चाहते हो तो इस हिस्से से ऊपर किताब रखिए, फिर बच्चे को कहिए कि पढ़ के दिखाए अगर कोई इस प्रकार का दावा करता है। वैसे तरक्सिल सोसाइटी ने बहुत बार इस तरह के केसों का भंडाफोड़ किया है, लेकिन आज भी पूरे देश में ये जालसाजी और जो अनपढ़ लोगों की बजाय शिक्षित लोगों को ठगने का धंधा चल रहा है, वो सिर्फ इसी वजह से कि हम जागरूक नहीं है, हम तार्किकता के साथ बातों को नहीं देख पाते हैं। तो आपसे निवेदन यही है, हमारे इस वीडियो का फायदा तभी होगा अगर आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों के बीच जागरूकता लेकर आए। और अगर आपके सामने कोई ऐसा केस आता है जिसमें कोई दावा कर रहा हो कि आंख पर पट्टी बांधकर वो पढ़ सकता है, तो आप खुद भी जांच कर सकते हो, किसी तहसील सोसाइटी के सदस्य को या किसी एक्सपर्ट को बुलाने की जरूरत नहीं है। आप उसकी बजाय कह दो कि नोट है, अगर वो सुनता ही है तो उसको एक आप लिफाफे में डालकर नोट को दे दें और उसके बाद उसको कहें कि सूंघ के और पढ़ के बता दें कुछ भी चीज, तो वो नहीं पढ़ पाएगा। और या फिर आप उसकी आंखों से ऊपर अगर रख लेते हैं नोट आंखों पर पट्टी बदलने के बावजूद, तो भी वो देखकर नहीं बता पाएगा। तो ये एक मेरी ठगी थी। आज का वीडियो बच्चों की बजाय उनके माता पिता के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट था, तो आप हमारे साथ बनी रहिए किसी प्रकार के चमत्कारों का पर्दाफाश करने के लिए और वैज्ञानिकता और तार्किकता का प्रचार करने के लिए। धन्यवाद। लाइक और कमेंट जरूर करिए।